आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आप सभी की किचन में, शुभांगी की किचन। आज हमारी किचन में बनने जा रही है एक ऐसी डिश जो सभी को पसंद है लगभग, और हम बाजार से लेकर आते हैं तो सोचते हैं घर में बनाना तो ये बहुत ही मुश्किल है। उस मुश्किल काम को ये आसान करने के लिए आज मैं आप सबके सामने एक ऐसी वीडियो लेकर आई हूँ जो आने वाले 2 दिन बाद त्यौहार जो है हमारा करवा चौथ, उस पर आप बनाएंगे, खुद भी खाइए, अपने फैमिली को भी खिलाइए और करवा चौथ सेलिब्रेट कीजिए। रसमलाई, देखा नाम सुनते ही आ गया ना मुंह में पानी। रसमलाई आज हम घर में ही बनाएंगे। सबको लगता है थोड़ा सा टफ काम है, लेकिन नहीं है टफ, कुछ ट्रिक्स हैं, आप वो फॉलो कीजिए, मेरी वीडियो को पूरी देखिए और मेरे साथ स्टार्ट करते हैं रेसिपी बनाना। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए। आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। रसमलाई का छेना बनाने के लिए हमको जो दूध चाहिए वो आप लो फैट मिल्क लीजिए। अगर आपके पास गाड़ी वाला दूध है जिसमें फैट ज़्यादा आता है तो आप उसको एक बार बॉईल कर लीजिए, उसको ठंडा करके फ्रिज में उसकी एक टाइम की मलाई निकाल लीजिए, फिर उसको दोबारा यूज़ कर सकते हैं आप छेना बनाने के लिए। लेकिन मैं क्या कर रही हूँ, अभी मैंने इसमें कच्चा दूध लिया है। ये आप लो फैट दूध कोई सा भी ले सकते हैं, वैसे छेना जो है वो गाय के दूध का सुपर बनता है, उसके तो कोई मुकाबला ही नहीं है। लेकिन अभी मैंने लो फैट अमूल का दूध ले लिया है, आप जो आपके पास अवेलेबल हो वो आप ले सकते हैं। दूध लेने के लिए आप ये देखो मैंने कच्चा ही दूध लिया है। अब मैं इसको बॉईल करने जा रही हूँ, फिर इसको हम छेना बनाएंगे। ये हमारा दूध बॉईल हो रहा है। जब तक ये बॉईल हो रहा है हम अपने छेने बनाने के लिए कुछ जो हमें सामान ज़रूरत पड़ेगी वो करके रख लेते हैं। देखिए सबसे पहले तो मैंने ये एक भगोनिया ली है, इसके ऊपर छन्नी रख दी, और ये एक हैंकी है मैं इसके ऊपर रख रही हूँ। जब छेना बन जाएगा तब मैं इसमें छानूंगी इसको। दूसरी चीज़, एक जग भर के आप पानी का रखिए, और विनेगर, हम जिससे दूध फाड़ने वाले हैं वो विनेगर है। ये देखिए हमारा दूध बॉईल हो चुका है। इस कंडीशन में हम इसकी गैस कर देंगे बंद। अब हमें क्या करना है, ट्रिक है आपके लिए ये कि इस दूध को हमें ठंडा करना है। आप चाहे तो इसको ऐसे रख के ठंडा कर सकते हैं, लेकिन उससे क्या होगा कि ये दूध के ऊपर एक मलाई जम जाएगी, हमें वो मलाई नहीं चाहिए। हमें सिंपल इसको इस तरह से चलाते हुए ठंडा करना है। 5 से 7 मिनट आप चलाएंगे, आपका दूध बढ़िया सा ठंडा हो जाएगा। गर्म दूध में अगर आप छेना बनाएंगे, सिरका आप उसमें डालेंगे गर्म दूध में, तो जो हमारा छेना बनाने जा रहे हैं हम, वो छेना नहीं बनेगा, पनीर बन जाएगा। थोड़ा टाइट होगा, रसमलाई जो हम बनाएंगे उसके गोलियां बनाएंगे वो भी थोड़ी टाइट होंगी, इसलिए आप इसको थोड़ा ठंडा कर लीजिए, फिर इसको हम फाड़ेंगे तो ज़्यादा बढ़िया बनेगा, सॉफ्ट बनेगा। इस तरह से आप इसको चलाते रहिए, 5-7 मिनट चलाइए, और ध्यान दीजिएगा जब ये चलना आपका ये थोड़ा ठंडा हो जाएगा तब हम इसमें अपनी फिंगर डालकर देखेंगे, तो इतना गर्म होना चाहिए कि हमारी फिंगर बर्दाश्त कर पाए कि इसकी गर्माहट को। हमने दूध बॉईल कर लिया है, मैंने इसको गैस से निकाल लिया है। इसको मैंने 2-3 मिनट इसी तरह से चलाया था ताकि इस पर मलाई ना पड़े। अब मैं इसकी छेने बनाने के लिए जो हमने सिरका और पानी का जो हमने मिक्सचर तैयार किया था वो डालूंगी, वो भी धीरे करते करते। आप ये देखिए थोड़ा सा दूध लीजिए, इस तरह से मिला दीजिए, एक साथ पूरा पानी नहीं मिक्स करना है, थोड़ा सा लीजिए फिर मिला दीजिए। एक लीटर दूध को फाड़ने में आपको 4 चम्मच सिरका ही लगेगा। हमें दूध पूरी तरह से फाड़ना है ताकि इसका अच्छे से छेना बन जाए। आप देख सकते हैं कि दूध जो है वो छेना बढ़िया से फट चुका है, हमारा छेना बन चुका है। इसका ये हरा हरा पानी देख रहे हैं ना आप, बस ऐसा ही पानी हमको चाहिए। देखिए हमने जो सेटअप तैयार किया है, एक भगोनी में छलनी रखी हुई है, उसके ऊपर मैं एक रुमाल रख रही हूँ। अब मैं इसमें छान लूँगी इसको, और इसको हमें इसमें छान लेना है। ये बहुत गर्म है, अभी थोड़ा सा चलाकर हमने इसको ठंडा किया था। अब आप इसको अच्छे से इसमें छान लीजिए,
सारा निकाल लीजिए बढ़िया से, और जो नॉर्मल पानी है आप उससे इसको धो लीजिए, क्योंकि अभी मौसम थोड़ा ठंडा होना स्टार्ट हो चुका है, तो इससे हमको लगभग 2-3 बार अच्छे से धोना है। और इसको हर बार धोकर स्क्वीज़ कर दीजिए, ताकि इसका जो विनेगर की जो खटास है वो धीरे धीरे करके निकल जाए। ऐसे हाथ से मसल मसल कर इसको धो लो, और इसकी सारी खटास जो है विनेगर की वो निकालनी है हमको। 2-3 बार इसको धोना पड़ेगा हमको। तो हमने इसको धो लिया है, एक बार और धो लेती हूँ मैं, 2 बार तो धो चुकी हूँ। देखिए ये लास्ट बार मैंने इसको धो लिया है अच्छे से। अब मुझे इसको बढ़िया से बिल्कुल टाइटली मुझे इसको स्क्वीज़ करना है, ताकि इसका सारा पानी है वो निकल जाए। इसको जितना अच्छे से आप दबाएंगे उतना ज़्यादा इसका पानी निकल जाएगा, और हमारा छेना उतना ही ज़्यादा क्रंची बनेगा। अब मैं इसको लटकाने के लिए रखूँगी 1/2 घंटे के लगभग, और हम अपने छेने को 1/2 घंटे के लिए रख देंगे लटका कर, ताकि उससे उसका सारा जो पानी है जो टपक रहा है वो पूरी तरह से निकल जाए। हमें अगर उसके अंदर पानी रहेगा तो हमारा छेना अच्छा नहीं बनेगा, हमें क्रंची सा छेना चाहिए। तो 1/2 घंटे के लिए लटका के रख दिया है। अब मैं उसकी चाशनी बना रही हूँ, ताकि मैं उसको उबाल सकूँ। 1 कटोरी चीनी ले ली है मैंने, मैं इसमें 6 कटोरी पानी डालूंगी, और ये जो मिक्सचर है 1 कटोरी चीनी और 6 कटोरी पानी का, इसको हम गैस पे रखेंगे और इसी के अंदर अपने छेने को बॉईल करने वाले हैं। ये देखिए दूसरी कटोरी, ये हम तीसरी कटोरी डाल रहे हैं। आप इसी तरह से पूरी 6 कटोरी डाल दीजिए, और 1 और 6 का ये जो रेशियो है बिल्कुल परफेक्ट रेशियो है। इसमें आपके छेने जो बॉईल होंगे वो बहुत ही बढ़िया सॉफ्ट निकल कर आएंगे। जिस जिस ट्रिक्स के साथ मैं आपको बता रही हूँ, उसी ट्रिक्स के साथ आप इसको बॉईल करेंगे तो आपके छेने सॉफ्ट बनेंगे और फूले हुए बनेंगे। ये हम इसको अलग रख देते हैं। हम इसकी जो रबड़ी होती है रसमलाई की, वो उसके लिए 1 लीटर मैंने दूध लिया है। इस दूध के अंदर मैं थोड़ी बहुत शुगर डाल दूंगी, और ये दूध आप गाय का ले सकते हैं, लो फैट ले सकते हैं, कोई भी दूध ले सकते हैं। अगर आपने फुल फैट लिया है तो आप सुबह उसकी मलाई निकाल के रख दीजिए बॉईल करने के बाद, और शाम को यूज़ कर सकते हैं। मैंने 1/2 कटोरी चीनी ले ली है, और इसके अंदर मैं पहले से ही डाल देती हूँ, ये मेरा बॉईल किया हुआ मिल्क है तो ये ख़राब नहीं होगा। मैं इसको सिम गैस पे बॉईल करने के लिए रख दूंगी, ताकि जितना गाढ़ी होगा उतना अच्छा इसके अंदर ड्राई फ्रूट्स के भी फ्लेवर आएंगे, और धीरे धीरे पकता रहेगा। आप देख सकते हैं हमारा छेना वो पूरी तरह से पानी उसके अंदर से निकल चुका है, कितना क्रंची है, देखो हाथ से टूट रहा है। अगर इसके अंदर पानी होता तो ये हाथ से हम जब इसको मसलते तो ये पूरी तरह से लेस जैसा लगने लगता, स्टिकी स्टिकी, लेकिन ये क्रंची है, बिल्कुल बिखरने वाला हो गया है। बिल्कुल ऐसा ही छेना हमको चाहिए। और आप देख रहे हैं ना, मैं जिस तरह से हथेली से इसको इस तरह से मैश कर रही हूँ, उसी प्रोसेस को आप 5 से 7 मिनट कंटिन्यू कीजिए, ताकि इसकी क्रंचीनेस ख़त्म हो जाए और बिल्कुल सॉफ्ट सा डो बन जाए। आप देखिए जिस तरह से हथेली से मैं मसल रही हूँ ना, रब कर रही हूँ इसको प्लेट में, उसी तरीके से आपको करना है। सेम यही प्रोसेस आप करते जाइए 5 से 7 मिनट के लिए, और बिल्कुल सॉफ्ट बन जाएगा। इसके अंदर मुझे ऐड करनी पड़ेगी एक सीक्रेट चीज़। इसके अंदर अब मैं ऐड करने जा रही हूँ 1 चम्मच मैदा। ये देखिए 1 चम्मच लेना है, 1 छोटा चम्मच, टीस्पून आप समझ सकते हैं, 1 चम्मच मैदा लिया है मैंने। मैदा नहीं है तो आप अरारोट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ये लेकर हमें अच्छे से मल लेना है, इसके अंदर पूरा मिक्स कर लेना है, और जितना ज़्यादा आप हथेली से इसको सॉफ्ट डो बनाएंगे उतने ही अच्छे आपके सॉफ्ट और फूले फूले आपके छेना प्रिपेयर होगा। अगर आप इसको ऐसे ही रख देंगे तो फिर छेने में वो सॉफ्टनेस आएगी नहीं, कर्रे हो जाएंगे, टाइट हो जाएंगे आपके छेने। देखिए मैंने इसको खूब अच्छे से 5 से 7 मिनट तक मैश कर लिया। आप देख सकते हैं बिल्कुल सॉफ्ट सा, बिल्कुल बिल्कुल फर लाइक टच इसका हमारा डो तैयार हो चुका है। ये देखिए बिल्कुल सॉफ्ट है, लग ही नहीं रहा कि ये वही क्रंची वाला छेना है जो हमने प्रिपेयर किया था। अब मैं इसमें ये जो मैंने बॉईल करने रखा हुआ है शुगर सिरप, 1 कटोरी शुगर थी, 6 कटोरी हमारे पानी था, इसके अंदर मैं बिल्कुल छोटी छोटी सी बताशा जैसा होता है ना, वैसी छोटी छोटी कॉइन के साइज़ की
गोलियां बॉल्स बना के रख दूंगी और उनको हल्का सा प्रेस भी करूंगी, क्योंकि जो हमारी रसमलाई होती है ना वो गोल नहीं होती, इस शेप की होती है, थोड़ी फ्लैट होती है। तो मैंने इसको इसी तरह से सारी बॉल्स बना ली हैं और आप भी बना लीजिएगा सारी बॉल इस तरीके से। ये देखिए, बिल्कुल आपको जितना ज़्यादा आप हथेलियों से इसको इस तरह से गोला सा बनाएंगे ना, उसमें सारे क्रैक्स ख़त्म हो जाएंगे। अगर आपके क्रैक्स इसके अंदर दिखेंगे ना तो ये फटे फटे बनेंगे। देखिए, ये छोटे छोटे साइज़ के ही हमको बनाने हैं, कॉइन साइज़ के। जैसे 10 रुपीज़, 20 रुपीज़ का कॉइन होता है ना, सेम उसी साइज़ के मैंने बनाए हुए हैं। और इसी सेम वे में मैं बाकी के सारे कॉइन्स भी बना रही हूँ, आप देख सकते हैं। अगर आपको अंदाज़ा समझ में नहीं आ रहा है तो पूरे 1 लीटर छेने का जो आपने बनाया है उसके आप पार्ट्स कर लीजिए और इक्वल पार्ट्स में भी बना सकते हैं। अब ये हमारा बॉईल होने लगा शुगर सिरप, मैं इसके अंदर धीरे धीरे करके ये एक एक करके डाल दूंगी। ये देखिए, मैं डाल रही हूँ एक एक करके ये बॉल्स, रसमलाई की फ्लैट छेना की बॉल्स है हमारी। आप ज़्यादा इसको पतला मत कीजिएगा, 1 किलो छेने को जो हम बनाएंगे उसमें कम से कम 12 से 12 14 तो हमारी आराम से बन ही जाएंगी। अगर आप साइज़ बड़ा करना चाहते हैं तो 10 भी बन सकती है, आप छोटा करना चाहते हैं तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैंने कुछ छोटी बनाई है, कुछ बड़ी भी बनाई है, या आप देख सकते हैं। मैं इसको कम से कम 5 मिनट खुले में ऐसे ही पकाने वाली हूँ। और ये देखिए, पकते पकते आप देख रहे हैं इसका साइज़ कैसे बढ़ रहा है। अब मैं इसको प्लेट से ढक दूँगी और 5 मिनट ढक कर इसको पकाऊँगी इसी तरीके से। एक दूसरी गैस पे मैंने सिम गैस पे अपना दूध रखा था, जिसके अंदर मैंने आधा कटोरी चीनी डाली थी। आप देख रहे हैं ये अच्छे से बॉईल हो रहा है। आप बीच बीच में इसकी फ्लेम हाई भी कर सकते हैं, जिससे हमारा ये जो दूध है वो थोड़ा गाढ़ी हो जाए। ये जितना ज़्यादा इसके अंदर आप इसको बॉईल करेंगे उतना ही ज़्यादा इसके अंदर बढ़िया सा इसका गाढ़ी हो जाएगा और टेस्ट आएगा। ये मैंने केसर पहले से ही घोल के रख ली थी 1-2 चम्मच दूध में, तो मैंने उसमें ऐड कर दी है। आप चाहें तो कोई फूड कलर भी ऐड कर सकते हैं। मैंने आधा चम्मच इलायची ऐड की है, इलायची पाउडर है ये। मैं ये ड्राई फ्रूट्स डाल रही हूँ, आप अपनी पसंद के कोई भी ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं। मैं इसमें थोड़ी सी चिरौंजी डाल रही हूँ, जिसको चिराला भी बोलते हैं, और थोड़े से पिस्ता, थोड़े से बादाम, ये सारे मैंने पहले से ही काट के रखे हुए हैं। ये अब हम इसको थोड़ी देर और पकने देंगे सिम गैस पे, ताकि जितने भी हमारे ड्राई फ्रूट्स हैं उनका फ्लेवर इसके अंदर, दूध के अंदर अच्छे से आ जाए और वो जो ड्राई फ्रूट्स हैं वो अच्छे से पक जाए। कच्चे कच्चे इसमें अच्छे नहीं लगते हैं, वो आप ऊपर से गार्निश करने में डाल सकते हैं। ये हमारे जब तक ड्राई फ्रूट्स पक रहे हैं, अब हम इसको थोड़ी देर के लिए साइड में रख देते हैं। हमारे 5 मिनट हो चुके हैं, अब हम अपने छेने को देख लेंगे कि छेने में कितना वो बन गए हैं, कितने नहीं बने हैं। 5 मिनट खुले में पकाया था, आप देख सकते हैं ना इसका साइज ऑलमोस्ट डबल हो गया है, पहले जितने थे उससे ये डबल ही हो गए हैं। अब आप इसको बिल्कुल सॉफ्ट हैंड से, किसी सॉफ्ट चीज़ से लेकर इसको टर्न कर दीजिए, पलट दीजिए। आप देखिए, इसका साइज़ पहले कॉइन के बराबर था, अब बिल्कुल ऑलमोस्ट डबल है। ये सारे हमें आराम से बिल्कुल धीमे धीमे हाथ से पलटने हैं। हमारा एक साइड में दूध बॉईल हो रहा है बादाम वाला, और दूसरी साइड में हमारे ये छेने के जो बॉल्स हैं वो भी हमारे हम पलट रहे हैं। बिल्कुल आराम से पलटिएगा, और जो टाइमिंग मैं आपको बता रही हूँ ना कि 5 मिनट पहले खुले में पकाया, फिर 5 मिनट हमने उसको ढक दिया, फिर 5 मिनट बाद हमने उसको पलटा है। अब हम 5 मिनट के लिए और इसको पकाने वाले हैं। इतनी देर में आप अपनी इसकी गैस की, जब आप इसको पका रहे हों दूसरी गैस पे, उसकी फ्लेम फुल करके इसको अच्छे से आप खदका सकते हैं। ये हमारा जो इसका रस होता है, रस मलाई को, वो जितना ज़्यादा गाढ़ी बनेगा उतना अच्छा उसमें फ्लेवर्स आएंगे केसर के और ड्राई फ्रूट्स के। आप, मैंने इसमें आधा कटोरी चीनी डाली थी। आप देख सकते हैं ये हमारा दूध, मैंने 1 लीटर दूध लिया था, ये पकते पकते लगभग 700 ml दूध रह गया है। बस इस पोजीशन में मैं इसकी गैस कर देती हूँ बंद। अब इसको हम ठंडा होने देंगे, जब थोड़ा नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे आ जाएगा तो इसको हम फ्रिज में रख देंगे। आइए देखिए, इसको 5-7 मिनट और हो चुके हैं पकते हुए, इसकी कंडीशन देख लेते हैं अभी क्या कंडीशन है। आप देख सकते हैं ये दोनों साइड से अच्छे से पक चुकी हैं।
इसको पकते पकते पूरा टाइम लगभग 17-18 मिनट हो चुके हैं। इसको आप 2 मिनट के लिए और पका लीजिए, खुले में पकाइए। जब तक ये 2 मिनट और पक रही है, हम एक ठंडे पानी का बाउल तैयार कर लेते हैं। इसमें मैंने कुछ आइस क्यूब्स डाले हैं और थोड़ा सा पानी ऐड करने जा रही हूँ मैं, क्योंकि हमें ये जो हमारी रसमलाई का छेना बनाया है, इसको ये जिस तरह से अभी फूलता हुआ है बिल्कुल वैसे ही फूलता हुआ रखना है। हमें इसकी प्रोसेस रोकनी है जो ये और पक रहे हैं, ताकि और टाइट नहीं हो। तो अभी हम इसको रख देते हैं, 2 मिनट इसको लगभग हो जाएगी, तब हम इसमें ये ऐड कर देंगे। 2 मिनट इसको हो चुके हैं, मेरा ये आइस वाटर भी अच्छे से बढ़िया ठंडा हो चुका है। अब मैं इसको बिना गैस बंद किए फटाफट से इसमें डाल देती हूँ, ठंडे पानी में। देखिए, आप देख सकते हैं कि ये डालते ही बिल्कुल नीचे जा रहा है, तैर नहीं रहा। इसका मतलब है कि हमारी ये जो छेना है वो बढ़िया तरीके से फूल चुका है, और इसकी प्रोसेस हम यहीं रोक रहे हैं ताकि और नहीं फूले। गैस में बंद कर देती हूँ और इसी तरह से सारे छेने इसी में मिक्स कर देती हूँ। हमारा छेना ठंडा हो चुका है, इसको ठंडा होने के लिए मैंने 1-1.5 घंटे के लिए फ्रिज में रख दिया था। अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि कितना बढ़िया सा ये फूल कर बने हुए हैं। देखिए, हमने इतने छोटे साइज़ के लिए थे, इनका साइज़ देखो ऑलमोस्ट डबल हो चुका है। और ये देखिए, ये कितने स्पंजी भी हैं। आप इसको इस तरह से पिचका कर देखो, बढ़िया सा ये फिर से अपनी शेप रिगेन कर लेगा। मैं आपको एक तोड़कर दिखा देती हूँ पीस। ये देखो, छेना कितना सॉफ्ट है, बढ़िया बना है। ये देखिए, आप इसको डालेंगे पानी में, ये फिर से अपनी ही शेप ले लेगा। अब इसको सर्व कर लेते हैं। आइए, रसमलाई को सर्व कर लेते हैं। मैं आपको बता दूं कि मैंने ये दूध फ्रिज में रख दिया था, लगभग 4 घंटे हो चुके हैं इसको ठंडा होते हुए। आप इस तरह से इसको पानी में से निकालिए और प्लेट पे सजाइए। ऊपर से ये ठंडा दूध डालना है इसके ऊपर। और हम थोड़े से ड्राई फ्रूट से इसको डेकोरेट करेंगे। ये बन चुकी है हमारी रसमलाई। इसको बनाने में कोई ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स यूज़ नहीं हुए हैं, सिर्फ दूध, चीनी और कुछ ट्रिक्स। आप ट्रिक्स इस्तेमाल कीजिए मेरी वाली, और शानदार रेसिपी आप अपने घर में ही बनाइए। इस करवा चौथ, इस दिवाली के त्योहार पे हम बाजार से रसमलाई नहीं लेकर आने वाले हैं। व्रत को खोलने के लिए आप रसमलाई बनाइए अपने घर में और सबको खुश कर दीजिए। ये देखिए कितनी शानदार रसमलाई बनके हमारी तैयार हुई है। अब अगर आप ऐसी रसमलाई बनाकर अपने परिवार वालों को खिलाएंगे, खुद खाएंगे, तो भाई बाजार की हलवाई वाली रसमलाई तो आप भूल ही जाएंगे। कितनी सॉफ्ट है, कितनी फूली हुई बनी है हमारी ये रसमलाई। और रसमलाई आप खाइए, बनाइए और लाइक कीजिए मेरे चैनल को, मेरी वीडियोस को। मेरे सब्सक्राइब करना ना भूलिए चैनल को।